चैनल, मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो मैं बताने वाली हूँ बन हेयर स्टाइल, जो कि मैं अपनी डमी पे बताऊँगी कितने हेयर स्टाइल हैं, वो सब आपको वीडियो देखने ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम सिलाई कोर्स है। अगर आपको सिलाई कोर्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप उस चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें पहले ब्राइड्स वगैरह बनाई थी, तो मैं ओपन कर ले रही हूँ ताकि हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे अपनी ब्राइड्स अपनी डॉल का हेयर अच्छे से सुलझा लिया है और अभी मैं इसको अच्छे से रबड़ लगा दूँगी फॉर्म करके। यहाँ पे मैंने रबड़ लगा दिया है, इसके बाद मैं क्या करूँगी, डोनेट लिया है मैंने और डोनेट को इस तरीके से पूरे वालों पे रबड़ टाइप के ऊपर जस्ट इस तरीके से लगा देंगे और एक यू पिन लेके अच्छे से इसको सेट कर देंगे, ओके, ताकि ये डोनेट हमारा हिले ना कहीं से। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है और इसको सिंपली इस तरीके से लपेटना है। पहले आप इसको हाफ ऑफ करके डोनेट को कवर कर दीजिएगा, ओके, इस तरीके से अच्छे से कॉम करके एक और रबड़ ऊपर से लगा दीजिएगा। अच्छे डोनेट हमारा देखिए ना, पूरा डोनेट अच्छे से हाइड हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक और रबड़ ले लिया और अच्छे से डोनेट के ऊपर इस तरीके से लगा दिया है, ओके। उसके बाद आप बालों को इस तरीके से छोड़ देंगे और सिंपली इसमें आप ब्राइड बनाओगे। यहाँ पे सेंटर से थोड़े से हेयर लेंगे, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा एक और लेयर लेंगे और इसके ऊपर से ब्राइड बनाएंगे और सिंपली थोड़े थोड़े लेयर्स लेके ब्राइड बनाते जाएंगे, जितना हमारा डोनेट है वहाँ तक बनाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ओके। थोड़ा थोड़ा लेयर्स लेके पूरा जितना भी हमने ये डोनेट को बालों से कवर किया है उसको पूरा अच्छे से उसके ऊपर हमने इस तरीके से ब्राइड बना लेनी है। और ध्यान दीजिएगा ज़्यादा टाइट नहीं करना है, लूज रखना है थोड़ा। तो ये हमारा अच्छे से कवर हो चुका है, ओके। अभी क्या करना है, जितने हेयर बचे हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। टू पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपली इसको राउंड राउंड इस तरीके से लपेट लेना है, इस तरीके से राउंड लपेटने के बाद जो हमने बन बनाया है उसके साइड में यू पिन से इसको सेट कर देना है, ओके। अब इस साइड के भी हेयर को, ये जो हमने बन बनाया था इसको, सॉरी जो ब्राइड बनाई थी इसको इस तरीके से करके और यहाँ पे यू पिन से इसको सेट कर देंगे। अब
उसी साइड से भी इसी तरीके से सेम आपको हेयर को लॉन्ग राउंड लपेट लेना है और उसी साइड से इसको ला के यू पिन से सेट कर देना है। जो भी हेयर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको आप अच्छे से यू पिन से कवर कर दीजिए। आई होप कि आपको ये वाला बन अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे बनाया है मैंने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ये है बन का फाइनल लुक। शादी में पार्टी में आप ये वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही इजी तरीके से आप बना लोगे।